गाइस इन दिनों जो है कोटेक्स में जो है कुछ डिपॉजिट और विड्रॉल का इशू देखने को पड़ रहा है। काफ़ी मेंबर्स का जो है विड्रॉल मिलता है लेकिन काफ़ी लेट मिलता है, और वहीं कुछ मेंबर्स की बात करें तो उनका विड्रॉल जो है रिजेक्ट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। गाइस देखो, सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये सिर्फ और सिर्फ कोटेक्स के साथ में नहीं है, ये प्रॉब्लम कई सारे ब्रोकर्स में देखी जा रही है। जैसे कि आप बाइनोमो ले लो, कोटेक्स ले लो, और ओलिम की बात करते हैं या फिर हम आईक्यू ऑप्शन की बात करते हैं, तो उन सभी में जो है UPI या नेट बैंकिंग की जो है समस्या देखने को पड़ रही है। किसी किसी को विड्रॉल मिल रहा है लेकिन लेट में मिलता है, और किसी किसी को विड्रॉल या डिपॉजिट वगैरह हो ही नहीं रहा, रिजेक्ट हो जाता है। देखो, इसका एक रीज़न है, इसका मैंने बात किया हुआ है कोटेक्स से, तो मुझे रिप्लाई में आया है कि उन लोगों का जो है चेकिंग्स चल रहा है, जो भी उनका होता है। देखो, जब आप पैसा विड्रॉल या डिपॉजिट करते हो तो वो डायरेक्ट जो है कोटेक्स से नहीं होता है, डायरेक्ट ब्रोकर से नहीं आता जाता है, बीच में मीडिएटर होता है, थर्ड पार्टी होता है जिसको लोकल पेमेंट प्रोवाइडर्स कहते हैं। अब जैसे कि आपने कोटेक्स को पैसा भेजा, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया में इनके कुछ बीच के जो है मीडिएटर्स होते हैं, लोकल पेमेंट प्रोवाइडर्स होते हैं। तो आपने डिपॉजिट किया तो आपका पैसा पहले लोकल पेमेंट प्रोवाइडर के पास जाता है, फिर वो लोकल पेमेंट प्रोवाइडर कोटेक्स को पैसा भेजता है, ठीक है। सेम एज इट इज़ जो है विड्रॉल भी होता है, जब आप विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हो तो कोटेक्स जो है लोकल पेमेंट प्रोवाइडर को भेजता है पैसा, लोकल पेमेंट प्रोवाइडर आपके बैंक अकाउंट में भेजता है, तो थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो जो लोकल पेमेंट प्रोवाइडर है प्लस कोटेक्स है, उन दोनों के बीच में कुछ चेकिंग्स चल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कुछ इशूज हैं, उनको सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो जब सॉल्व हो जाएंगे अपने आप ही ये सारा जो विड्रॉल और डिपॉजिट का सिस्टम है ये सब कुछ एज नॉर्मल हो जाएगा जैसे कि पहले था। लेकिन अभी के लिए अगर आप सोल्यूशन चाहते हो तो एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, वो ये सोल्यूशन है कि आप कोटेक्स में जो है बाइनेंस के थ्रू डिपॉजिट कर सकते हो। बाइनेंस के थ्रू डिपॉजिट करने के लिए आपको जो है दो कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। कोटेक्स में अगर बाइनेंस से डिपॉजिट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने बैंक से पहले बाइनेंस में पैसा भेजना पड़ेगा, फिर बाइनेंस से आप कोटेक्स में पैसा भेज सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हो कोटेक्स से तो आपको कोटेक्स से पहले बाइनेंस में भेजना पड़ेगा, फिर बाइनेंस से आपको अपने बैंक अकाउंट में पैसा मंगाना पड़ेगा। अब ये आखिर कैसे करना है, इन सारी चीज़ों का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वीडियो जाकर के देख लो कि आखिर हम बैंक से जो है बाइनेंस में कैसे पैसा भेजते हैं और फिर बाइनेंस से कोटेक्स में कैसे पैसा भेजते हैं। उसके बाद विड्रॉल की बात करें तो उसके भी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कि आखिर कैसे कोटेक्स से बाइनेंस में कैसे विड्रॉल लेते हैं और बाइनेंस से अपने बैंक में कैसे पैसा मंगाते हैं। सारे वीडियोस जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बहुत ही आसान सा तरीका है, आप जाकर के वीडियोस देख लो, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा विड्रॉल डिपॉजिट का मेथड। थैंक यू सो मच।